हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैंने मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। आप लोग बताएं आप कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो मेरा यहाँ पे नाश्ता बन रहा है, आलू के परांठे बन रहे हैं और घी के साथ मैं बना रही हूँ और फिर हम खाएंगे, कोई अचार में कोई चाय में। मुझे चाय में परांठे बहुत पसंद हैं, मैं तो चाय में ही खाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी और जैसे बन रहे थे वैसे बच्चे लोग खा रहे थे। और इससे पहले मेरा हो गया था मॉर्निंग का झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था और साथ में यहाँ पे दूध भी गर्म हो रहा है, बच्चों को दूध भी दे दूँगी और साथ ही साथ पराठा खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं सेक रही थी और कैमरा थोड़ा हिल रहा ना, तो मेरा ट्राइपॉड टूट रखा है, तो बच्चों के हाथ में फ़ोन था तो वही, जब किचन में रहती हूँ मैं तो हाथ से ही बना लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे फ़ोन को रखने के लिए सही नहीं है जगह। और ट्राइपॉड तो मैं स्लैब में रख देती थी तो हो जाता था, लेकिन वैसे कहीं पे रखने का नहीं है। तो यहाँ पे नाश्ता बन गया और सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो बच्चे कोई सॉस के साथ खा रहे हैं, कोई अचार के साथ और मैं यहाँ पे चाय के साथ खा रही हूँ पराठा। उसके बाद बाकी की सफाई तो हो गई थी, फिर मैंने सोचा अभी टाइम है, कपड़े धुल रहे थे मशीन में तो थोड़ा मैं फ़ैन को साफ कर लूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो गई थी इस पर। और ज़्यादा डस्ट जमा हो जाए तो फैन ज़्यादा तेज़ नहीं चलता है, बहुत कम चलता है। तो मैंने सोचा इसको कर ही लूँ मैं, एक बार मैंने टाल दिया था कल करूँगी, लेकिन कल पे नहीं टालना चाहिए, जो काम आज हो गया तो हो गया। तो यहाँ पे मैं बेड के ऊपर खड़ी होके इस वाले, हमारा जो बेडरूम है इस वाले रूम का फैन साफ़ कर रही थी, उसके बाद जाऊँगी मैं दूसरे वाले रूम में। तो दूसरे वाले रूम में तो उस वाले पे इतना नहीं था, लेकिन इस वाले में बहुत सारा डस्ट जमा हो रखा था और ये कम हवा दे रहा था। और इसके बाद जैसे ही सफाई करने के बाद फ़ैन ऑन किया तो बहुत तेज़ चल रहा था, यूँ लग रहा था कि जैसे अभी ले आए होंगे। तो ज़्यादा भी धूल जम जाए तो कम चलता है फ़ैन, तो इसको मैं साफ कर रही थी। एक बार मैंने टाल दिया था, लेकिन हमें किसी भी काम को कल पे नहीं टालना चाहिए, जो काम आज हो गया तो हो गया। और यहाँ पे मैं इसको साफ कर लूँगी, उसके बाद फिर दूसरे रूम में जाती हूँ, बाकी के काम मेरे हो गए थे, उसके बाद बनाऊँगी लंच। और ये वीडियो है संडे की, आज संडे है तो आज दोपहर की है ये वीडियो और एडिटिंग कर रही हूँ मैं अभी नाइट में। तो पहले मैंने सूखे कपड़े से इसको साफ किया और अब हल्के गीले कपड़े से मैं इसको फैन को साफ कर लूँगी। और काफ़ी हिला रहे हैं बच्चों के हाथ में है फैन, तो हिला रहे हैं इसको बहुत ज़्यादा। तो ये वाला हो गया है साफ और अभी नीचे कितना डस्ट इस फैन से निकलेगा, नीचे फर्श में पड़ा हुआ, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि कितना सारा डस्ट इससे निकला है। ये देखिए, और यहाँ पे बनाई रही हूँ मैं लंच। लंच में मैं यहाँ पे अभी रोटी बना रही हूँ और साथ में बन रही है कढ़ी, पहाड़ी स्टाइल में झोली, हमारे यहाँ झोली बोलते हैं, तो वही बना रही हूँ मैं। एकदम ज़्यादा गाढ़ी वाली नहीं, पतली वाली, और इसमें कोई पकोड़े सकोड़े नहीं बना रही हूँ क्योंकि सुबह हैवी हो गया था नाश्ता, परांठे खाए थे तो ज़्यादा पकौड़े खाने का मन नहीं कर रहा था। तो ऐसे ही बना रही हूँ मैं सिंपल सी कड़ी और चावल और साथ में बन रही है रोटी। तो कड़ी तो मेरी बन गई है, चावल बन गए हैं और यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक रही हूँ।
लंच में था कड़ी चावल और रोटी, और यहाँ पे मैं सलाद काटनी हूँ रोटी बनने के बाद। और ये है खीरे, और मैंने नमक पीसा है, हरी मिर्च वाला नमक, हरी मिर्च, लहसुन और धनिया, ये वाला नमक जैसे पीस के ना, और इस तरह से खीरे पे लगाएं तो बहुत ही टेस्टी होता है। तो वही वाला नमक प्राप्ति ने पीसा था, और मैंने इस तरह से खीरे लंबे साइज में काट ले, और इस पे लगा रही हूँ मैं नमक। तो ये हो गया हमारा सलाद। यहाँ पे कुछ फ्रूट लाए हैं, वो अभी रखे हैं धोने के लिए। और यहाँ पे देखिए हमारा लंच रेडी है, कढ़ी चावल, रोटी, सलाद। तो अब हम कर लेते हैं अपना लंच, और उसके बाद मिलेंगे सीधा नाइट को आपसे। तो इसके लंच करने के बाद क्या क्या काम किया, क्या क्या रूटीन था इवनिंग का, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। इससे क्या होता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। यहाँ पे नाइट में डिनर बन रहा है, तो डिनर रोटी सब्जी बन गई थी, अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे दलिया। तो दलिया बन गया है ये, और रोटी बना दी है मैंने। तो इसको थोड़ा और पकाऊंगी मैं इसको, दलिया को, और इसमें उसके बाद डाल देते हुए 1-2 चम्मच घी, देसी घी, और ये डाल दी मैंने इस डिब्बे में। थोड़ा सा है तो एक हाथ में मेरा फ़ोन रखा हुआ था और दूसरे हाथ से निकल नहीं रहा था डिब्बे से, तो इसलिए मैंने वीडियो जो है कैमरा जो है बंद करने के बाद फिर इसमें घी डाला। इस बार नहीं डाला जा रहा था क्योंकि एक हाथ में मेरा फ़ोन था। ये करेले की सब्ज़ी सुबह की है, और नहीं सॉरी, कल रात की है, कल रात की है करेले की सब्ज़ी, सुबह परांठे थी। और यहाँ पे आलू बीन्स की सब्ज़ी बनी है, करेले की सब्ज़ी कल की है, आलू बीन्स की सब्ज़ी, और रोटियाँ और दलिया। तो अब कर लेते हैं डिनर। गाइज वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसी लगी। मिलेंगे जल्द ही एक नए दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।